फंक्शन वहां इस तरह से हैं, कुछ दिन के हैं कुछ रात के हैं, तो दिन में आप बहुत ज्यादा नहीं लगा सकते, ब्राइट नहीं लगा सकते, रात को आप बहुत हल्का नहीं लगा सकते। तो बैलेंस करने के लिए सभी कुछ रख लिया है, और थोड़ा सा ये सोच के भी रख लिया है कि शायद शाजमा को भी जरूरत पड़ेगी, अम्मा भी जा रही है, तो बस रख लिया है। ओवर पैक करने की बीमारी है, ज्यादा पैक करने की। तो मैंने ट्रैवलिंग के लिए छोटे छोटे ये मंगा रखे हैं, इनमें मैं फिल कर लेती हूँ अपना, ताकि मुझे इतनी बड़ी बॉटल ना कैरी करना पड़े। और ये स्कूल का बॉक्स लिया था मैंने एक मेले में से, तो क्योंकि इसमें मेकअप टूटता नहीं है, तो मैं अपना मेकअप इसमें भी पैक करती हूँ। गंदा हो रहा है वो तो मेकअप लग ही जाता है, मगर अच्छा जुगाड़ है ये। अब फेस वॉश, टॉयलेटरीज वगैरह इसमें रख लिए, और मेकअप मैंने इस तरह इसमें पैक कर लिया है। मानो ना मानो, आप बाजी के पास आपके जुगाड़ एक से एक रहते हैं, है नहीं बढ़िया जुगाड़ मेकअप पैक करने का। तो हमने सोचा कि शादी में जाने से पहले थोड़ा समझ रही हो ना, लेडीज की बात है, वो करा ले। और जो है हमारी सासू माँ को और हमें इतनी खांसी हो रही है, हमने सोचा हम दवा डॉक्टर को दिखा ले। डॉक्टर को दिखा के हम यहाँ से निकले, पीछे कोपचो में से उन्होंने कहा हमारा अपना केमिस्ट है, उसी के यहाँ दवाई मिलेगी, वहाँ से हमने ली। अब थोड़ा सा मुझे झूला क्या जाना है, कुछ टूट गया था वो रिपेयर के लिए देना है, और कोई फालतू का काम। हाँ, और शाजमा बाजी का फ़ोन आया कि भाई मेरे बच्चों के लिए मोज़े, मेरे बच्चों के लिए थर्मल ले लेना, दिल्ली में रहती हैं वो और हमसे मंगवा रही हैं। हमने कहा चलो थर्मल ले लेंगे, मोज़े ले लेंगे, तो ये सारा काम है। तो हमने मुन्ने मुन्नी के अपने सॉक्स ले लिए, अपनी बेटी के लिए रिंग्स ले लूँ, उन्हें बहुत शौक है रिंग्स पहनने का। पहले अम्मा ने कुछ लगवाया, फिर कुछ लगवाया, फिर कुछ लगवाया। मुझे ऐसा लग रहा है कि अम्मा यहाँ से बुलबुल बन के निकलेंगी, मतलब घुसा कोई था निकलेगा कोई। बिफोर आफ्टर दिखाऊं क्या आपको? अब मैंने सरीना को सुला दिया है। मैं सोच रही हूँ, मैंने सरीना की पैकिंग तो रात ही कर दी थी, मेकअप अपना पैक कर लिया था। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपनी पैकिंग कर लूँ जब तक सरीना सो रही है, फिर रात में अम्मा के साथ मिल के थोड़ा सा खाना वाना बनवा लेंगे, क्योंकि अब हम होंगे नहीं 3-4 दिन, तो फातिमा अकेली होगी, उस पर बहुत बर्डन हो जाएगा, और फरीन की तो जॉब चलती है, तो उसके लिए तो इम्पॉसिबल है किचन का कोई काम करना, बेचारी सुबह से रात तक वर्क फ्रॉम होम चलता रहता है, तो हमें वो सब तैयारी करना है। तो अभी पैकिंग कर लेते हैं। हमारे घर में बेसिकली एक रूम खाली था, जहाँ हमने सोचा था कि हम सरीना का नर्सरी बनाएंगे, मगर अल्लाह हमारे मियाँ की उम्र लंबी रखे और उन्हें इस तरह शौक है उन्हें कि हमें एक इतनी बड़ी अलमीरा बनाना पड़ी उनके कपड़े टांगने के लिए। तो अब हम अपने कपड़े इस तरह से टांगते हैं, क्योंकि जो रूम में अलमीरा है, जैसा कि आपको पता है माशाल्लाह हमारी जॉइंट फैमिली है, सबके पास एक एक कमरा है, एक एक कमरे में अलमारी है, उसमें आप कितना सामान रख सकते हो, माशाल्लाह भी बच्चा भी है। तो अब हमने ये अलमारियाँ बनाई हैं जिनमें हम सामान रखते हैं, तो इसमें बेसिकली कम यूज़ होने वाला सामान रखा है, जैसे कि बड़े बड़े डाइपर बैग, शॉल। मैंने सोचा था मैं छोटा सूटकेस लेके जाऊंगी, मगर अब मुझे लग रहा है बड़ा वाला रखना पड़ेगा, क्योंकि विंटर्स के कपड़े हैं बहुत सारे। तो ये अम्मा ने ऑनलाइन मंगाया था, इसमें हिजाब फिसलते हैं, तो मैंने हिजाब और सॉक्स और थर्मल्स वगैरह इसमें कर लिए अम्मा से बोरो करके। शॉल्स मैंने अपनी इसमें रख ली हैं। बेसिकली मेरे पापा एक बहुत ही पते की बात बचपन से कहते हैं, वो 3 बजे भी कहीं से वापस आते थे तो अपने कपड़े उसी तरह हैंगर पे लगाते थे, तो हम हमेशा उनसे कहते थे आप सुबह वो कर लीजिएगा, भी ऐसे सोफे पे डाल दिया हमारी तरह। तो वो कहते थे इफ़ यू डोंट रिस्पेक्ट योर क्लोथ्स विल नॉट रिस्पेक्ट यू, इन द सेंस वो आप पे अच्छे नहीं लगेंगे अगर आप उन्हें अच्छे से नहीं रखोगे। तो मैं अपने कपड़े बहुत अच्छे से रखती हूँ, जिन पे वर्क होता है उन्हें उल्टा तय करके रखती हूँ, बाकियों को मैं प्लास्टिक बैग में लगा के रखती हूँ, बहुत ही अच्छे से, मतलब कायदे से रखती हूँ, क्योंकि वो बात मेरे जहन में बिल्कुल बैठ गई है। और अपने बड़े ऑर्गेनाइज करके लगाती हूँ मैं कपड़े, अपने हिजाब्स, और मुझे बड़ा रिलीफ मिलता है जब मैं ज़्यादा स्ट्रेस में होती हूँ, मेरा दिमाग आउट हो रहा होता है ना, तो मैं सफाई करना शुरू कर देती हूँ। तो शाजमा बाजी का फोन आया कि मेरे पास कोई सैंडल नहीं है, मेरे लिए सैंडल ले लेना। अब हम जा रहे हैं उनके लिए सैंडल लेने, और मैंने पूछा था निकलते निकलते कि कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ चाहिए तो नहीं, तब तो बोला नहीं कि कुछ चाहिए। हमारी अम्मी तो झूठ को कहते हैं कि आप आ जाइए, तो फौरन आ जाती है कि नहीं मैं चल रही हूँ, झूठ को कहते से भी वो देखो आ गई। ड्राइवर है, बस ड्राइवर तक ही बना रहे अम्मा। तो ये है काफी पॉपुलर अमित वाले का स्टोर, जहाँ हर तरह के फैंसी चप्पल, सैंडल्स, जूतियाँ मिलती हैं। और ये सहारनपुर का किन्ज है, जैसे लाजपत नगर में किन्ज जितना पॉपुलर है। तो मैंने यहाँ से कई सारे गोल्डन ऑप्शन शाजमा को भेजे, उन्हें फाइनली एक पसंद आया।
ये दिखने में काफी खूबसूरत होते हैं और छोटी हील की वजह से कंफर्टेबल भी होते हैं और बढ़िया 1700-1800 की रेंज में मिल जाते हैं। तो पापा भी सहारनपुर आ गए थे हमारे साथ जाने के लिए। ये पापा अपनी गाड़ी में बैठ गए क्योंकि उन्हें रास्ते में सिगरेट पीना होती है तो वो सरीना के साथ नहीं हो सकता है। और हम लोग इस गाड़ी में जा रहे हैं, मैं और अम्मा, हम निकल गए हैं पटियाला के लिए। चंडीगढ़ पहुँचने वाले हैं, यहाँ से पटियाला तकरीबन 1.5-2 घंटा दूर है और सरीना बेगम सो गई हैं अपनी दादी की शॉल में एकदम कोजी होके। और यहाँ से रास्ता बहुत ही अच्छा है क्योंकि दिन इतने छोटे हो रहे हैं, जब तक हम पटियाला पहुँचे अच्छी खासी शाम हो गई थी। और ये हमारा दूर से दिख रहा है होटल, तो बेसिकली थोड़ा जंगल जैसा रास्ता है जहाँ से हम आ गए। तो हमने रियलाइज़ करा कि हम बैक साइड आ गए होटल की, ना कि फ्रंट साइड, तो हम घुमा के आगे की तरफ से जा रहे हैं। और ये है हमारा होटल, इसका नाम है नीमराना। ये पहले एक पैलेस हुआ करता था जिसको इन लोगों ने होटल में कन्वर्ट कर दिया। इसमें सिर्फ 25-30 रूम है और ये एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है, तो हम यहाँ बहुत एक्साइटेड हैं रुकने के लिए। और ये है हमारा रूम, और अभी हम लोग पहुँच गए हैं। हमने सोचा अभी रूम में सेटल डाउन करा देते हैं, हीटर ब्लोअर चला देते हैं सरीना के लिए और कुछ खा पी लेते हैं। तो हमने सैंडविचेस वगैरह मंगाए यहाँ पर, और जब तक शाजमा आएगी, जब शाजमा आएगी तो मैं होटल दिखाऊंगी आपको। शाजमा दिल्ली से पहुँच गई, मेरे पास फ़ोन आया, हम नीचे पहुँच गए, स्वागत नहीं करोगे हमारा? और फ़ोन पर ही मुझसे कह दिया था कि मेरे लिए खाना ऑर्डर कर दो, मैं आते ही पहले खाना खाऊँगी, तो मुझसे एडवांस में ही खाना ऑर्डर करवा लिया। और अब मैं जा रही हूँ शायद कहीं गलत, अरे खो गई मैं इस जंगल में। तो थोड़ी हवेली टाइप का ना, पहुँच ही गई आप, सारे पैसे कमा लेते हैं फिर मिलेंगे। ये आज रात के लिए मेरी सासू माँ महारानी मेरे लिए, वो वैसे भी महारानी है, खाना साथ साथ खा रहा है। हाँ जी जी, ऐसी सर्विस कहाँ मिलेगी तुम्हें बताओ, एडवांस में ऑर्डर करा हुआ है मैंने। महारानी मोहिंदर कौर का रूम है ये, महारानी मोहिंदर कौर का वॉशरूम है जिसमें अनफॉर्चुनेटली कोई दरवाजा नहीं है। ये क्या स्टाइल है भाई, यहाँ से गए यहाँ से निकल गए। तो आप देख ही रहे हैं कितनी ठंड हो रही है, और हमने अब खा पी लिया, अब हमें नहीं पता हम वहाँ जाके क्या खाएंगे। अब हम जा रहे हैं तैयार होने, और आज का सबसे एक्साइटिंग पार्ट ये है कि मैं और शाजमा बिल्कुल एक सा सूट पहनने वाले हैं। तो आज हम ट्विनिंग करने वाले हैं, और हम दोनों ने अलग अलग लिया था, शाजमा ने अपना खुद सूट डिज़ाइन करा था और मैंने ख़रीदा है सूट, तो मगर हमारा कोइंसिडेंटली सेम हो गया। तो हमने सूट रिपीट करा, ये सूट मैं पहले भी पहन चुकी हूँ। ये हम स्टेयरकेस से ऊपर जा रहे हैं, मैं आपको ये ग्रिल सी है सुबह में दिखाऊंगी, बट फिलहाल मैं आपको ये मैं और बाहर आएंगे रेडी हो गए जी, बेटे माँ बाप। वाओ, ये है शाजमा बाजी का हसीन सूट, ये मेरा है तो ऑलमोस्ट सेम है। हमारे साइड वाला बिल्कुल आगे, नेक्स्ट डोर नेबर्स। अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चे की दादी के पास है, और अब मैं जा रही हूँ अपने रूम की ओर। मैं और पापा साथ रुके हैं, हमारी मियाँ को काम से जाना था कहीं तो वो नहीं आए, उत्तर प्रदेश में कहीं जाना था इतनी तो वो नहीं आए। और ये मेरा पजामा ठीक होने गया था, ये बहुत लूज था, मैंने उन्हें वापस भेजा, ठीक हो गया है। और ये प्लेट में सच क्या है, हमारी दूध और पत्ती। तो ये करोड़ों रुपए का वो है सूट इन्होंने लिया, फिर मैंने देखा कि मैंने कुछ साल पहले कढ़ाई करवा के रखा हुआ था, सेम टू सेम बन गया काइंड ऑफ फ्री में, और दुपट्टा भी रामपुर से ही आया मेरा, और माशाल्लाह इतनी अच्छी लग रही है रॉयल्टी कि बस मुझे डर लग रहा है कोई भूत पे ना चिपट जाए मुझ पर, बहुत ही अच्छी लग रही है। पापा देखिए मैं ये लाई हूँ करण के लिए, ये लाई हूँ मैं करण के लिए। आप जला मत दीजिएगा, बहुत पैसे की। पापा कभी कभी पीते हैं हमारे सिगरेट, रोज नहीं पीते हैं ना, तौबा करो।
तो बेसिकली पटियाला में भी ऐसी दो तीन रोड हैं जो सारी एक ही जगह जाके मिलती है, एक होटल से दूसरे होटल से वेन्यू तक हमने यही अभी तक आजमा के देख लिया। तो यहाँ से दुल्हन का घर भी बहुत ही पास था, मुश्किल से 5-8 मिनट की दूरी, और ये पहुंच गए हम दुल्हन के घर। पहुंच गए हम अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी थी तो हमने बच्चों को निकालना जरूरी नहीं समझा और हम खुद ही आ गए दोनों बहने एक से कपड़े पहन के, मगर अब जल्दी से वापस जाने की जल्दी लगी रहेगी क्योंकि बच्चे छोड़ के आए हैं। और ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत डेकोर दुल्हन का घर है, ये उन्होंने सारे फंक्शन घर में ही किए हैं क्योंकि अच्छा खासा एरिया है और बहुत खूबसूरत घर है जैसा कि आप देख ही सकते हैं। माशाल्लाह अल्लाह इसमें खुशियां रखे। और ये मेहमानों के वेलकम में खड़ी थी खूबसूरत गोरी गोरी फिरंग लड़कियाँ, चमकता धमकता स्कर्ट पहनी हुई और ऊपर स्वेटर। और ये जब हम पहुंचे तो दुल्हन और दूल्हा, और ये साइड में है दूल्हा की भाभी और उनका भाई जिनकी शादी अभी हुई है 15 दिन पहले, तो दोनों भाई एक साथ ही निपट गए। यहाँ स्टेज पे खड़े इंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे खूब मगन एक दूसरे में, दोनों भाई और दोनों बहुएं यानी दोनों भाभियाँ यानी अन्नू भाई अजहर फातिमा सोहा वाली जोड़ी हो रही थी। और हमारी प्यारी दुल्हन परीनूर भाभी नीचे उतर के आ गई स्टेज पे से जब उन्होंने हमें आके देखा और बड़ी वार्मथ से मिली। सिख वेडिंग में अकेली दो हिजाबी सिस्टर्स, सब सोच रहे हैं अरे ये कौन है। और ये है प्यारी बहुत एलिगेंट सी दुल्हन की मम्मी, बहुत प्यारे से जोड़े में दुल्हन के साथ ट्विनिंग करती हुई। और ये हम दोनों बहनों ने सोचा लाओ थोड़ी वीडियो बनवा लें एक से जोड़े पहने हमने तो, और फिर हमारे पापा के साथ भी हमने थोड़ी पोज मार ली। हमारे पापा का माशाल्लाह बहुत ग्रेस है। बेसिकली फंक्शन अभी वहाँ शुरू हुआ था, आप अपनी सोहाबाजी को जानते हैं, जेवरात सारा उतर गया है और बच्चों की वजह से हमारा दिल नहीं लग रहा था तो हम आ गए वापस। अम्मा को और अम्मी को ठंड इतनी नहीं लग रही थी, उन्होंने कहा बस हम नहीं जाते तुम जाओ। तो कल परसों का जो फंक्शन है वो कल सुबह का है, तो परसों सुबह का है तो सुबह वाले में वो जाएंगे। कह रही मुझे भी नहीं, यहाँ और भी गेस्ट रुके हैं जंगली, और कल हम जाएंगे पटियाला घूमने, शॉपिंग करेंगे पटियाला जूती पटियाला ज्वेलरी। ये सोफ़ा यहाँ लगा के उस पर तकिए लगा के ताकि मैडम जो है वो गिरे नहीं, ये इंतज़ाम मैंने किया है। रात का पूरा सेटअप कर लिया है, पजामा फिल्टर वगैरह। 2 बजे आई थी, सारा सामान कपड़े वगैरह पैक करके रखे, इनका सारा सामान सेट करा। अब 3:20 हो रहा है, अब सोने जा रही हूँ। सुबह फ्री ब्रेकफास्ट भी करना है, उसके लिए भी उठना है। शब खैर।